कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। बताया जाता है कि कमलनाथ के इस्तीफे की तारीख को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। बताया गया है कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, परंतु बीजेपी ने दलबल और खरीद फरीद तो की राजनीति करते हुए जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर जनादेश, लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया। जनता पार्टी कूटनीति के चलते विधायक खरीद कर सरकार बनाने से बीजेपी के लोकतांत्रिक और काल में कमलनाथ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता का त्याग किया और हर एक भारतवासी को लोकतंत्र के मूल्यों का सही तस्वीर दिखाई। आज अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ के नारे लगाए। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जन संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 5 तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ की शुक्ल 7 सितंबर 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अध्यानपुरित करते हैं। बाबा साहब जय जय कमलनाथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।